एक्सेसरी लगी है और दिखा दो ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, बताइए पूरी हवा में उड़ी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो दोनों खत्म हो चुके हैं, अब ये राइट वाले नए लग रहे हैं पूरे, दोनों चेंज करते हैं और दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है, कैसे लगाने के बाद में फिटिंग दोबारा होती है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है नितिन सानी और आप है राइडर सड्डा पे। तो अभी तक आपने एसेसरी की फिटिंग की वीडियोज देखी होंगी, आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास में डिस्क पैड भी आ गया और इसके लीवर भी आ गए। तो इस गाड़ी में लीवर तो चेंज नहीं हो रहा पर डिस्क पैड चेंज हो रहा है, उसकी फिटिंग की वीडियो दिखाता हूँ और एसेसरी भी लग रही है उसकी भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे इसकी इजिली आप फिट कर सकते हो घर पे मंगा के। तो सबसे पहले इसके अंदर लगा रहे हैं मेन स्टैंड लगेगा अपना, ये हैवी क्वालिटी का आ रहा है, देख सकते हैं ये हैवी क्वालिटी का लग रहा है, इसको फिट करके दिखाते हैं। तो लगा दे, तो ये मेन स्टैंड की फिटिंग यहाँ से हो रही है, कोई इसमें पेच वेच नहीं लगाना, सीधा लग जाएगा। और ये आ रहा है उसके साथ में, ये गुट्टी फंसा देनी है बस। तो अगर आपकी ब्रेक में इशू आ रहा है कुछ, अगर आपकी ब्रेक प्रॉपर नहीं लग रही और उसमें से कुछ आवाज आ रही है, तो इसका मतलब डिस्क पैड चेंज करने का समय आ गया। अगर आप दिल्ली या NCR में रहते हैं तो राइडर सेटअप आ सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल बंदे मिल जाएंगे आपका डिस्क पैड चेंज करने के लिए। और अगर आप दिल्ली और NCR से बाहर रहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और मेरी वीडियो देख के मैकेनिक को दिखा देते हैं कि ये कैसे फिटिंग होगी। तो अब राइडर सेटअप पे इसके डिस्क पैड भी अवेलेबल हैं, 200 रुपीज़ के हैं और अब इसकी फिटिंग दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले आप ये सारे एलेंकीज़ नट खोल लीजिए, सारे नट ईजिली खुल जाएंगे, उसके बाद में टायर बाहर आएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ क्या होगा। सारे नट खोल लिए और इस टायर को बाहर निकालेंगे, ये टायर यहाँ से बाहर आ गया, उसके बाद क्या खोलेंगे इस पे? तो एक बार टायर निकलेगा तो एक ये वाला पेज खुलेगा और उसके बाद में एक ये वाला पेज खुलेगा, उसके बाद ये मरगार्ड बाहर आएगा, उसके बाद में जाके ये आपके डिस्क पैड लगेंगे। सबसे पहले ये ऊपर वाला नट खोल देंगे, सारे नट इसमें ज्यादातर एलंकी वाले ही है तो जरा आराम से खोलिएगा क्योंकि इसकी चूड़ी भी बड़ी जल्दी फ्री हो जाती है अगर कोई भी नॉर्मल पेज या कुछ से खोलेंगे तो। आराम से तसल्ली से काम करें। ये दोनों नट भी खुल जाएंगे और मरगार्ड इसका आ जाएगा बाहर, ये इसका पूरा मरगार्ड बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या भाई? ये डिस्क पैड बाहर आ जाएगा इसके बाद में, ये उसके बाद में दो नट यहाँ पर हैं, ये नट को खोलेंगे दोनों को। ये भी एलंकी वाले, कौन से नंबर की एलंकी है? 5 नंबर। तो आपको ये सब चेंज करने के लिए 5 नंबर की एलंकी चाहिए होगी, ज्यादातर सभी 5 नंबर की एलंकी से खुल जा रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो दोनों खत्म हो चुके हैं, अब ये राइट वाले नए लग रहे हैं पूरे, दोनों चेंज करते हैं और दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है, कैसे लगाने के बाद में फिटिंग दोबारा होती है। तो इसमें यहाँ पर ये जगह है, इसमें ये सेंसर लगा देंगे, उसके बाद फिट करने के बाद में प्रॉपर इसको लगाएंगे। ये सेंसर फिट कर दिया यहाँ पे इसका, तो ये इसका यहाँ पर ये सेंसर की तार फिट कर दिया, अब इसके बाद इसको फिट करते हैं। यहाँ पे डिस्क पैड लगा दिया और ये नट लगाने के बाद में भाई साहब, अगर आप दिल्ली या NCR में लेते हैं तो इधर आके ही लगवाएं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है और इस भाई की पेट में भी लात नहीं माना जाता मैं। अब इसके सारे नट दोबारा से पैक कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ से जो उनसे नट उतरेंगे वहीं वहीं पे दोबारा से वही नट दोबारा फिक्स कर देंगे। तो अब इसके सारे नट दोबारा से लगा दिए, अब इसके बाद में दोबारा इसका मडगार्ड फिट कर रहे हैं, उसके बाद टायर लग जाएगा, उसके बाद चेक करते हैं कि ब्रेकिंग कैसी आ रही है इसकी। तो अब इसके सारे नट टाइट कर दिए हैं, तो इसमें डिस्क पैड लगा दिया और सूर्य ने भी चेक कर लिया, आवाज़ नहीं आ रही, जो इसमें आवाज़ आ रही थी वो ब्रेकिंग भी नहीं आ रही थी। तो जिन भैया की गाड़ी है उनसे पूछते हैं क्योंकि बेस्ट वही बता पाएंगे कि आप ब्रेक अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो ये भैया की गाड़ी है, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है। और आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? मैं फैजाबाद से हूँ, सेक्टर 29 से। तो सेक्टर 29 से आया भैया, इसका जो आपने डिस्क पैड चेंज कराया आपको अब आवाज आवाज तो नहीं आ रही इसमें प्रॉपर? आपने अभी चेक करिए, चेंज करवाने पर कोई भी आवाज नहीं आ रही है, पहले आती थी 6666 आवाज आती थी, इरिटेशन होती थी ड्राइविंग के टाइम पे। और ब्रेकिंग आप सही लग रही है? चेंज होने का बहुत ही स्मूथ लग रही है, ठीक है। और ब्रेक व्रेक सही लग रही है? डिस्क पैड चेंज करने के बाद में अब सही लग रहा है, अभी तो नया चेंज करवाया। चलो चेक करके रिव्यू देना वीडियो पे, पक्का बताना कैसी लग रही है आपको। तो यार इसके अंदर डिस्क पैड लगा दिया, अब इसके अंदर हम ब्लैक कलर की मोटी एसेसरी लगा रहे हैं और दिखाता हूँ उसकी फिटिंग स्टेप बाय स्टेप क्या आती है। तो मोटी वाली एसेसरी लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये ग्रैब रेल खोलने पड़ेंगे, जिसमें ये दोनों ग्रैब रेल आपके उतर जाएंगे और जो मेरा बैक रेस्ट है वो लग जाएगा। और अगर आप हल्का वाला बैक रेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसमें ये उतारने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर ही लग जाता है।
तो अपने पास दोनों ऑप्शन है, आप बैक रेस्ट के साथ भी ले सकते हो और विदाउट बैक रेस्ट भी ले सकते हो। अब इसके सारे नट खोल लेंगे, ये यहाँ से ये वाला नट खोल लेंगे, ये वाला नट खोल लेंगे, सारे नट खोल के पहले ये प्लास्टिक को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद ये दोनों ग्रैब रेल निकालेंगे, उसके बाद बैक रेस्ट लग जाएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होगा ये। तो ये सारे नट खोल लिए हैं, उसके बाद में आप इसको ये निकालना है और उसके बाद में फिर से ये दोनों नट खोलने हैं आपको, जिससे ये ग्रैब रेल बाहर आ जाएगी। दो नट यहाँ से खोलेंगे और दो नट यहाँ से खोलेंगे। तो सबसे पहले ये कैप उतरेगी, जिसके लिए ये दोनों नट खोलने पड़ेंगे आपको, ये फिर कैप बाहर आ जाएगी, उसके बाद में ग्रैब रेल खुलेगी। ये दोनों नट यहाँ से खुल जाएंगे और उसके बाद ये आपका यहाँ से ये कैप बाहर आ जाएगी। ये कैप निकालने के बाद ये दो नट देख सकते हैं, ये दोनों नट आपको खोलने पड़ेंगे यहाँ से, फिर प्रॉपरली ग्रैब रेल बाहर आ जाएगी और अपनी ग्रैब रेल जो हैवी वाली है वो लग जाएगी। अभी इसके नट खोल लिए हैं और ये देख सकते हैं ये ग्रैब रेल बाहर आ जाएगी, ये ग्रैब रेल बाहर आ जाएंगी दोनों तरफ की ऐसे ही, उसके बाद में अपना पीछे वाला बैक रेस्ट लग जाएगा। तो जब आप बैक रेस्ट लगाते हैं आपको हम ये पेचों की किट साथ में देंगे, 10 नंबर के पेच हैं ये, यहाँ पर फिट हो जाएंगे। आपके ओरिजिनल वाले पेच उतार के हम आपको दे देते हैं या आप अपने पास जरूर रखें, उसके बाद में 10 नंबर के पेच आते हैं वो लग जाएंगे इसके अंदर। ये यहाँ पर जो दोनों तरफ था, यहाँ पर दो नट यहाँ लग जाएंगे और दो नट यहाँ पर लग जाएंगे। तो ये इसका बैक रेस्ट पूरा फिट हो चुका है। बैक रेस्ट सेट करने के बाद में ये ऊपर से दोबारा से प्लास्टिक लग जाएगा और दोबारा सारे नट टाइट हो जाएंगे, सेम जो कंपनी फिटेड वाले नट आते हैं वही दोबारा से लग जाएंगे सब में। नट आपके सिर्फ इसमें चेंज होंगे और दो पीछे चेंज होंगे, इन सब में वही नट लगेंगे जो कंपनी वाले लगे हुए हैं। तो अपनी शॉप पे अपना सब्सक्राइबर आया, क्या नाम है भैया आपका? इब्राहिम। तो इब्राहिम भाई आपने से मिलने के लिए, तो अपनी वीडियो को क्या करना? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। तो जल्द तो अब आगे की ग्रिल लगा रहे हैं, जिसके अंदर ये दो नट होते हैं, यहाँ पर ये दोनों नट उतर जाएंगे और उसमें एसेसरी लग जाएगी। सेम नट लगेंगे, नट चेंज होते हैं? नहीं, ये आगे के दोनों फ्रंट के सेम नट लग जाएंगे। तो ये आगे से दोनों नट लगा दिए, उसके बाद में दिखाना चाहूंगा, दो नट यहाँ पर लगेंगे ये मैट के नीचे, एक नट यहाँ पे लग जाएगा, ये चेंज होगा यहाँ पर, 10 नंबर का नट चेंज होके लग जाएगा जो आपको हम एसेसरी के साथ में भेजेंगे। तो एक इस तरफ लग जाएगा और एक उस तरफ लग जाएगा। तो अब ये वाली पीछे की इसकी बैक लग रही है, दो नट एक इस तरफ आता है एक उस तरफ आता है और ये खुल जाएगा आपका, पहले ये बाहर आएगा आपका लेडीज फुटरेस, उसके बाद में लगने के बाद में यहाँ पर नट लग जाता है। तो इजीली इंस्टॉलेशन है इसकी, ऐसा कुछ वो नहीं है, आप मंगा के इजीली खुद भी लगा सकते हैं या आपके उधर कोई मैकेनिक हो उससे लगवा सकते हैं। तो पूरी गाड़ी की लुक आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ कैसी आ रही है। तो गाड़ी हो चुकी है तैयार, इसमें आगे एसेसरी लग गई है और दिखाता हूँ कितनी स्ट्रॉन्ग है, देखो देखते पूरी हवा में उठती है, तो एकदम स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि भैया गाड़ी में लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, देख सकते कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साइड पर मांगते हैं, उसके बाद दिखाना जाऊंगा। ये फ्रंट पे ग्रिल लगा रही है, आगे इधर आ जा, उसके बाद में साइड पर पूरी ये दोनों तरफ फुटरेस्ट वाली आ गई, मेन स्टैंड आ गया, बैक रेस्ट आ गया, पीछे नंबर प्लेट होल्डर लोहे वाला लगा दिया क्योंकि इसकी नंबर प्लेट थोड़ी ढीली सी रहती है। तो अगर आप भी ऐसे काम कराना चाहते हैं तो राइडर सेटअप आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा फोन नंबर और हमारी शॉप का एड्रेस मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो राइट वाला बटन है उस पर चाहे एसेसरीज पे क्यों मारें या लेडीज फुटरेस्ट मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राम राम।